जब से माँ से झगड़ा करके आया हूँ तब से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मैं माँ से मिलने जाऊँगा, माँ के पास जाकर माफ़ी मांग लूँगा। वो माँ है, माफ़ कर देगी। बस पहुँचने ही वाला हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, माँ कहाँ गई होगी? अब पता नहीं एक बेटा अपनी माँ से मिल भी पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइए। AI के इस युग में आज आप बिना एनिमेशन सीख के आप खुद की 3D एनिमेशन मूवी बना सकते हो। हेलो दोस्तों, आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप AI का यूज करके 3D एनिमेशन मूवी कैसे बना सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी नॉर्मल वीडियो में सिर्फ एक क्लिक करके उसे 3D मूवी में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड A to Z सारी जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। अब चलते हैं Part 1 पे, क्रिएट अकाउंट। दोस्तों 3D एनिमेशन मूवी बनाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है डीप मोशन। अब आपके सामने सबसे पहले ये वाला लिंक आएगा, लेकिन उसके बाद जो डीप मोशन का सेकंड वाला लिंक है आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं जितनी भी वेबसाइट यूज करूंगा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इन वेबसाइट पे आ सकते हो। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के लिए आपको इस साइनअप वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है, जैसे यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख लेना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको कंपनी नेम लिखना है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी फर्जी नेम लिख सकते हो। यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको डीप मोशन के बारे में कहाँ से पता चला है, आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे IAM Human पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे गेस्ट स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे जाना है, वहाँ पे आपको डीप मोशन की तरफ से एक लिंक दिया जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको क्रिएट माई अकाउंट वाली बटन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। Part 2, क्रिएट 3D कैरेक्टर। लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ से गो टू पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एनिमेटेड 3D वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्ट वाली बटन पे क्लिक करना है। अब ये आपको गाइड करेगा, आप चाहो तो इसे देख सकते हो या आप यहाँ से इसे स्किप भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से स्किप कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे 3D मॉडल पे क्लिक करना है कि आप अपनी वीडियो में किस तरह का कैरेक्टर रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से स्टाइलिश अवतार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर की बॉडी टाइप सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से स्क्रीन बॉडी टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो टेक ए फोटो वाली बटन पे क्लिक करके अपनी खुद की फोटो को 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी फोटो अपलोड नहीं करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट ए फोटो वाली बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से आपको अपना 3D अवतार सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले स्किन कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से स्किन कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से चेहरे का शेप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से आग भौवें नाक ओंठ हेयर स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से मॉडल के कपड़े और मेकअप वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आपको जिस तरह का भी कैरेक्टर चाहिए आप उसे यहाँ से उस तरह का बना सकते हो। एक बार सब कुछ सेट करने के बाद में आपको इस नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर को कोई एक नाम दे देना है, तो यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर का नाम बकलोल भैया लिख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे चैनल का नाम भी है। इतना करने के बाद में आपको इस सेव वाली बटन पे क्लिक कर देना है। Part 3, जनरेट AI 3D एनिमेशन। दोस्तों यहाँ पे हमारा 3D कैरेक्टर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इस तरह की स्क्रीन ना शो हो तो आप यहाँ पे 3D मॉडल पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हो। अब हम यहाँ पे एनिमेशन देने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इस क्रिएट एनिमेशन वाली बटन पे क्लिक कर देना है। इसका दोस्तों आप अपने कैरेक्टर को किस तरह का मूवमेंट देना चाहते हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको अपनी वीडियो का ये वाला सीन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउज फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये वाला वीडियो सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। अब आप यहाँ पे चाहे तो अपनी फाइल का नेम बदल सकते हैं। इतना करने के बाद में आपकी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ट्रिम एंड क्रॉप वाली बटन पे क्लिक करके आपको अपनी वीडियो से जितना पार्ट चाहिए आप उसे यहाँ से ट्रिम और क्रॉप कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद में आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको पूरा वीडियो यूज करना है तो आप ट्रिम वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको वीडियो आउटपुट पे आना है और यहाँ से MP4 आउटपुट को इनेबल कर लेना है। अब यहाँ से सिलेक्ट बैकग्राउंड के डिफॉल्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आपको अपने कैरेक्टर की शैडो चाहिए तो आप इसे इनेबल रहने दीजिए। अगर आपको शैडो नहीं चाहिए तो आप इसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे सब कुछ सेट करने के बाद में आपको इस क्रिएट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट जॉब वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब कुछ ही सेकंड में आपकी नॉर्मल वीडियो एक 3D एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 3D कैरेक्टर बनके तैयार है। अब ये 3D कैरेक्टर बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसे आपकी नॉर्मल वीडियो में लड़का मूव कर रहा है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको MP4 को सिलेक्ट कर लेना है। अब वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड वाली बटन पे क्लिक कर देना है। Part 4, डाउनलोड बैकग्राउंड। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको दो
वेबसाइट बताने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह के नॉर्मल वीडियो में अपने कैरेक्टर को दिखाना है तो इस तरह के बैकग्राउंड आपको पिक्साबे वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो कि 100% कॉपीराइट फ्री है। आप वहाँ से इस तरह के बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पिक्साबे वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे सर्च बार में आपको अपनी वीडियो को सर्च करना है कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। अगर आपको इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे इमेज सर्च कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे जो भी सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो शो होने लगेंगी। अब वीडियो डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपनी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे इस तरह के ग्रीन स्क्रीन भी सर्च कर सकते हो। अब अगर आपको 3D कार्टून बैकग्राउंड चाहिए तो इसके लिए आपको leonardo.ai वेबसाइट पे आना है। इसके बाद आपको AI इमेज जनरेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। अब यहाँ से आपको 3D वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे जनरेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब कुछ ही सेकंड में आपकी 3D बैकग्राउंड इमेज जनरेट हो जाएगी। आपको यहाँ से जो भी इमेज पसंद हो आप इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में leonardo.ai वेबसाइट के बारे में जानना है तो इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हमने 3D बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर लिया है। तो हम चलते हैं लास्ट फाइनल 5 पार्ट पे एडिटिंग, जहाँ पे हम इन सबको एडिट करेंगे। वीडियो एडिट करने के लिए आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे काइन मास्टर का यूज करने वाला हूँ। अगर आपको भी विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से उसे फ्री में ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको क्रिएट न्यू वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से 16:9 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे क्रिएट वाली बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इमेज एसेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड पसंद हो आप उसे ले सकते हो। मैं यहाँ से किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड वीडियो लेके आना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको 3D मॉडल लेके आना है जो अभी हमने क्रिएट किया था। तो इसके लिए आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है और फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना 3D मॉडल सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में सबसे पहले हम इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। इसके लिए आपको मॉडल वाले लेयर पे क्लिक करना है। अब आपके राइट साइड में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको क्रोमा की का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपने मॉडल को जिस तरह से मूव करना है हमें उसी तरीके से इसे सेट कर लेना है, कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद में अब हम एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने के लिए आपको फिर से लेयर पे क्लिक करना है। अब आपके लेफ्ट साइड में की का एक ऑप्शन शो हो रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पे लेयर के लास्ट में जाएंगे। अब हम लास्ट में अपने मॉडल को किस तरह से दिखाना चाहते हैं हम अपने मॉडल को उसी तरह से सेट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब हमने यहाँ पे एनिमेशन दे दिया है तो अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देता हूँ। इसके लिए मैं इस ऑडियो वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा। दोस्तों आपको जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए आप YouTube की लाइब्रेरी में जाके वहाँ से उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है। अब आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, अब यहाँ पे आपको ट्रिम स्प्लिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जिस भी साइड को कट करना है आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपका एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा। अब फाइनली हमारी वीडियो कम्प्लीट हो गई है तो अब मैं इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इसे सेव करने के लिए आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेना है, इसका सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपकी वीडियो आपकी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।